नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल अपन ने फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के अंतर्गत अपन ने कल जो घटनाएं हैं उसके बारे में बात की थी, और जो यूरोप में जो गठबंधन बना फ्रांस के विरोध में उसके बारे में बात की थी, जिस गठबंधन से जो युद्ध हुआ फ्रांस का उसमें फ्रांस की विजय हुई, और फ्रांस की विजय क्यों हुई इसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो अपन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हुए अपन बात करेंगे, आज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, प्रकृति क्या है। तो अपन शुरू करते हैं इसके अंदर। जो फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका जो मास बेस है, यानी जो प्रमुख जो सहयोग मिला है वो किससे मिला है, आम लोगों से मिला है, जो थर्ड एस्टेट के अंतर्गत आते रहे। मैंने बताया था ना कि एस्टेट जनरल में तीन प्रकार के एस्टेट होते रहे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो थर्ड एस्टेट था वो आम जनता का एस्टेट था, इसमें व्यापारी वर्ग के लोग थे, इसमें दुकानदार थे, इसके में टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो इन सब ने मिलकर क्रांति का सूत्रपात किया था, थर्ड एस्टेट के लोगों ने मिलकर। तो उनका प्रमुख योगदान रहा था, मुख्य आधार यही थे थर्ड एस्टेट, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टेट है वो सरकारी अधिकारियों का वर्ग था, कुलीन वर्ग के लोग थे इसमें। और जो सेकेंड एस्टेट है इसमें धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, जैसे पादरी, जिनका चर्च पे नियंत्रण था। अपन आगे चलते हैं प्रकृति में कि दिस रेवोल्यूशन वॉज नॉट प्री प्लान्ड, यानी यह एक नियोजित क्रांति नहीं थी, किसी ने भी प्लान नहीं किया था इस क्रांति को, यह अचानक ही हो गई। आउट ऑफ इंटेंस कन्फ्यूजन, खूब ज़्यादा जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसमें खूब अधिक कन्फ्यूजन हो रखा था, उनमें से ये क्रांति निकल के आई। इस क्रांति को नियोजित नहीं किया गया, कभी भी किसी ने प्लान नहीं किया, मतलब व्यवस्था के अनुसार ही यह क्रांति निकल कर आई। जैसे टिल 1787-89 नो वन टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन। अब फ्रांस में अपन को पता है 1789 के ने रेवोल्यूशन हुआ था, तो उससे पहले 1787 तक भी कोई भी क्रांति के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। अचानक परिस्थितियों के कारण एक्सप्लोजिव हो गई, इस कारण यह क्रांति की शुरुआत हुई फ्रांस में। फिर आगे अपन प्रकृति के बारे में बात करते हैं, वॉलेंट रेवोल्यूशन, हिंसक क्रांति थी, खूब सारे लोग इसके अंदर मारे गए, खूब सारे सैनिक इसके अंदर मारे गए, तो जान माल की अच्छी खासी हानि हुई, एक हिंसक क्रांति थी, एक्सट्रीम एक्सेसेस। और इस क्रांति के अंतर्गत जब राजा का राज्य खत्म हो गया, उसके पश्चात जिन लोगों ने सत्ता हथियाई उन लोगों ने भी काफ़ी अधिक एक्सेसेस की। एक्सेसेस का मतलब यह है कि क्रांति के फलस्वरूप जो सरकार बनी, तो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी अत्याचार किया, तो एक्सट्रीम एक्सेसेस देखी गई हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जैसे अपन उदाहरण देते हैं, आतंक का युग जो फ्रांस में आया था क्रांति के फलस्वरूप, तो वहाँ पे भी आतंक के साये में रहा फ्रांस, क्रांति के पश्चात भी, तो हिंसा लगातार जारी रही, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। क्रांति तो हो गई, जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, वो नहीं आ पाएगी। राजा का शासन नहीं रहेगा तो किसका शासन रहेगा, तो क्या वो शासन स्टेबल रहेगा, क्या वो शासन स्थायी रहेगा, तो एक स्थायित्व नहीं आ पाया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फिर धीरे धीरे चल के स्थायित्व आता है फ्रांस के अंदर, लेकिन अचानक नहीं है। फिर इसके बाद अगला है नॉट आइसोलेटेड, ट्रांस अटलांटिक रेवोल्यूशन। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको अपन आइसोलेशन में नहीं देख सकते, यानी एक वैक्यूम में नहीं देख सकते। अगर अपन को फ्रांसीसी क्रांति को समझना है तो हमें दुनिया में होने वाली अन्य क्रांतियों के बारे में भी समझना पड़ेगा, इनका आपस में लिंक है, इनका आपस में एक प्रकार से कनेक्शन है, तो इनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, एकांत में हम फ्रांसीसी क्रांति को नहीं देख सकते, इसका संबंध कई और क्रांतियों से है। जैसे सीरीज ऑफ ट्रांस अटलांटिक रेवोल्यूशन, कई अटलांटिक के दोनों तरफ ट्रांस अटलांटिक कई प्रकार के जो क्रांति देखी गई उसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से निकलता है। जैसे अमेरिकी क्रांति है जो USA के अंदर हुई, तो इसका संबंध भी कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से रहा है, क्योंकि जो US रेवोल्यूशन पहले हुआ है, तो इस क्रांति के फलस्वरूप, इसके प्रभाव के कारण जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने भी, उनके अंदर भी आत्मविश्वास जागा कि वह जो उनके शासक हैं उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं। तो प्रभावित किया US रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट मूवमेंट, मतलब एक प्रकार से समग्र आंदोलन था। कंपोजिट मूवमेंट का मतलब है सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, समग्र कंपोजिट मूवमेंट। चेंजेस इन ऑल स्पीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई, और जो बदलाव हुआ वो मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है उस बदलाव में,
व्यापक बदलाव हुए इस क्रांति के कारण। तो इसके बारे में आगे चलते हैं। इट वॉज ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आगे प्रोग्रेस करने वाला, यानी विकासशील। इसकी प्रकृति में एक पॉइंट आता है विकासशील, यानी इसके कारण फ्रांस का विकास हुआ। आने वाले समय के अंदर फ्रांस में विचारों का विकास हुआ है, फ्रांस में लोगों का विकास हुआ है, तो प्रोग्रेसिव नेचर है इसका। जैसे इट इंस्पायर्ड बेटर विजन ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य में किस प्रकार का जीवन होना चाहिए इसके बारे में चर्चा की गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत। इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है कि किस प्रकार से भविष्य उसको संवारा जा सकता है। तो इट क्रिएटेड अ विजन ऑफ बेटर फ्यूचर। फिर इसके और आगे चलते हैं, आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। खूब सारे विचार आए हैं फ्रांसीसी क्रांति में। देर आर सीरीज ऑफ आइडियाज विच वर क्रिएटेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। में आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब वैचारिक क्रांति भी आई है फ्रांस के अंदर, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। जैसे कई प्रकार के विचार आए हैं, देखो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी उदारवादी संवैधानिक, एक ये विचार हो गया। मोनार्कियल रिजीम, मोनार्कियल रिजीम का मतलब है राजतंत्र, राजा को राज करना चाहिए, ठीक है, उदारवादी संविधान होना चाहिए। अलग अलग विचार है। अगर उदारवादी संविधान होगा तो राजा वहाँ पे क्या करेगा, जब राजा होगा तो संविधान है बहुत सीमित होगा, संविधान होगा ही नहीं। तो दोनों अलग अलग प्रकार के विचार हैं। तो डाइवर्स काइंड ऑफ आइडियाज, जो अलग अलग तरह के विचार हैं फ्रांसीसी क्रांति में उत्पन्न हुए, उनके फलस्वरूप वास्तविक घटनाएं भी हुई हैं। जैसे 1792 में फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया, गणराज्य घोषित किया गया। 1795 में डायरेक्ट्रेट का शासन शुरू हुआ, कोलिजिएट। कोलिजिएट का मतलब ये कि तीन चार लोग मिलकर शासन चला रहे हैं, तो कोलिजिएट गवर्नमेंट है वो भी शुरू हुई डायरेक्ट्रेट के अंतर्गत। फिर फाइनली हम देखते हैं नेपोलियन आया। नेपोलियन के समय में क्या हुआ, पॉलिटिकल डेस्पोटिज्म अगेन, यानी जो तानाशाही है दोबारा शुरू हो गई। पहले राजा की तानाशाही हुआ करती थी, आने वाले समय में नेपोलियन की तानाशाही होगी। तो पॉलिटिकल राजनीतिक तानाशाही दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि नेपोलियन एक प्रकार का डिक्टेटर था, तानाशाह था नेपोलियन। तो विभिन्न प्रकार के विचार हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, कॉलेजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो कितनी प्रकार की सरकारें बनी है, विभिन्न विचारों से संबंधित रही हैं सरकारें। फिर अपन आगे बात करते हैं मिडिल क्लास, मिडिल क्लास लीडरशिप इन फर्स्ट फेज। जो पहला भाग था फ्रांसीसी क्रांति का, उसमें मिडिल क्लास का अच्छा खासा योगदान रहा, यानी मध्यम वर्ग का योगदान रहा। खासकर जो 1789 से लेकर 1791 तक का समय है, यहाँ पे मिडिल क्लास का प्रभुत्व रहा है क्रांति के ऊपर। तो इसी कारण हम देखते हैं कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्थापित की गई 1791 में, जो मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप थी, यानी उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसमें व्यापारियों को अत्यधिक अधिकार दिए गए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी फायदा हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के सेटअप से। जैसे अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट, जैसे अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में, संपत्ति का अधिकार मिल गया, तो इससे किसको फायदा होगा, गरीब लोगों को फायदा होगा नहीं, अगर संपत्ति का अधिकार मिलता है व्यापारियों को फायदा होगा, अमीर लोगों को फायदा होगा, तो मध्यम वर्ग तक इसका जो बेनिफिट है वो सीमित रहा। वोटिंग ऑन प्रोपोर्शन, वोटिंग ऑन प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति का अधिकार है, जिन लोगों के पास संपत्ति है वही केवल वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में। तो इससे क्या हुआ, जो पोजीशन है मध्यम वर्ग की और अधिक कंसोलिडेट हो गई, उनकी जो पोजीशन, उनकी स्थिति फ्रांस में और अधिक मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की थी मध्यम वर्ग ने। तो जो उन्होंने व्यवस्था बनाई क्रांति के बाद, उसमें पूरा का पूरा फायदा मध्यम वर्ग को दिया। ऑफिस ऑन मेरिट, अब मेरिट के आधार पर सबको गवर्नमेंट ऑफिस मिलने लग जाएंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास को इसका फायदा होगा, जब मेरिट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफिस मिलेंगे, प्रतियोगिता के आधार पर गवर्नमेंट ऑफिस मिलेंगे, तो उसका सीधा फायदा शिक्षित वर्ग को ही होगा। और शिक्षित वर्ग कौन था, गरीब किसान या आम आदमी उनका शिक्षित था नहीं, शिक्षित वर्ग था मध्यम वर्ग, जिसमें व्यापारी वर्ग के लोग थे, जिसमें दुकानदार थे, जिसमें टीचर्स थे, तो इन लोगों को फायदा हुआ। लोअर क्लास गॉट नो सिग्निफिकेंट बेनिफिट, जो निम्न वर्ग है समाज का, उसको कोई खास फायदा हुआ नहीं फर्स्ट फेज के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बुर्गुआजीज रेवोल्यूशन, बुजुर्गवा क्लास, अपन बात करते हैं बुजुर्गवा क्लास, जिसके बारे में मार्क्स ने बात की है। बुजुर्गवा रेवोल्यूशन का मतलब ये है, बुजुर्गवा वर्ग में कौन आता है, जो व्यापारियों का वर्ग है, जो उद्योगपतियों का वर्ग है, जो बिजनेसमैन का वर्ग है, तो उन्हीं को फायदा पहुंचा है, इसलिए उसको बुर्गुआजीज रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, बुजुर्गवा क्रांति भी कहा जाता है, बुजुर्गवा क्रांति, मार्क्स ने टर्म दिया था बुजुर्गवा। लेकिन 1792 में गणराज्य स्थापित किया गया,
1792 मोर अकॉर्डिंग टू अजीज ऑफ लोअर क्लास, जब एक गणराज्य की स्थापना हो गई फ्रांस में 1792 में, उसके पश्चात जो फ्रांस है, जो फ्रांस की सरकार है, उन्होंने कुछ अधिकार या फायदा देना शुरू किया निम्न वर्ग के लोगों को 1792 में। जैसे क्या फायदा दिया उनको, अडल्ट मेल सफरेज नो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, वोट डालने के लिए संपत्ति रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी। अडल्ट मेल सफरेज यानी जो अडल्ट हो चुके हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, वो सारे के सारे वोट डाल सकते हैं, यानी वोट करने का अधिकार सबको दे दिया, जिससे आम जनता को फायदा हुआ। प्रॉपर्टी ऑफ चर्च टू पीजेंट्स, जो चर्च है चर्च पे सारा का सारा अधिकार राज्य का हो गया, और जो चर्च की सारी संपत्ति है वो चर्च से छीन कर उसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उस संपत्ति को किसानों में बांट दिया। चर्च ने खूब सारी संपत्ति कमा ली थी पहले, तो उनसे संपत्ति छीन के किसानों को दे दी। फिर कैप्चर्ड लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड रिटेन विद पीजेंट्स, मतलब ये है कि जो सामंतशाही वर्ग था उससे जमीन छीन ली सरकार ने, वो जमीन किसानों में बांट दी। तो कुल मिला के निम्न वर्ग को अत्यधिक फायदा हुआ एक गणराज्य की स्थापना के पश्चात। रोल ऑफ पेरिजन मॉब इन रूरल एरियाज नॉट एक्सक्लूसिव बुर्जुआज़ीज, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, यूरोपियन कैरेक्टर, इसमें क्या लिखा हुआ है, अपन प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज अ यूरोपियन कैरेक्टर, इसकी प्रकृति यूरोपियन थी फ्रांसीसी क्रांति की। कैसे, नेक्स्ट 25 ईयर्स इतनी अधिक एक बड़ी घटना थी फ्रांस की क्रांति की, अगले 25 सालों तक यूरोप में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी राजनीतिक या सैनिक घटनाएं हुई, उनका संबंध कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से निकलता है। तो बहुत बड़ी घटना रही है फ्रांस की क्रांति यूरोप में, इसने पूरे यूरोप के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। जितने भी इवेंट हुए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से, वो फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड टू रेवोल्यूशन 1789 इन यूरोप, ठीक है। जैसे अब एक स्टेटमेंट है किसी हिस्टोरियन का, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप मर्जेज इनटू हिस्ट्री ऑफ वन इवेंट एंड वन नेशन एंड वन मैन। बहुत अच्छा स्टेटमेंट किसी इतिहासकार ने दिया है। इस पे आंसर लिखने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, गहन अध्ययन चाहिए आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तब आप इसका आंसर लिख सकते हो, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। इसमें लिखा क्या है, जो यूरोप का इतिहास है वह मिल गया, किस में मिल गया, यूरोप का संपूर्ण इतिहास एक घटना में मिल गया। वो घटना कौन सी थी, फ्रांस की क्रांति। अब आपको आंसर में लिखना है कैसे मिला ये, फ्रांस की क्रांति में जो यूरोप का इतिहास है वो मिल गया, एक राष्ट्र में मिल गया, यूरोप का सारा इतिहास एक राष्ट्र में आके मिल गया, यानी यहाँ राष्ट्र कौन है, फ्रांस है, और यूरोप का सारा इतिहास एक आदमी में आके मिल गया, और यहाँ एक आदमी कौन है, नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन की जो सैनिक विजय रही है उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना पड़ेगा। ये घटना इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस का क्या संबंध रहा है पूरे यूरोप के इतिहास से, और नेपोलियन ने कैसे प्रभावित किया पूरे यूरोप के इतिहास को, थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। इस प्रकार के जो डीपर क्वेश्चन है वो IAS एग्जामिनेशन में आते हैं, आपके ग्रेजुएशन में इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें आएंगे कि जो फ्रांस की क्रांति उसकी प्रकृति क्या है, उसमें से अगर ये 4-5 पॉइंट आप लिख दोगे तो बहुत बेहतरीन पॉइंट है, अलग अलग मटेरियल है उनसे कलेक्ट कर रखा है। तो अपन जो सेकंड पार्ट है इसका थोड़ा रुक के डिस्कस करते हैं, ठीक है, धन्यवाद आपको।